नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं बासी बची हुई रोटी के ट्रायंगल्स। तो चलिए दोस्तों, सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए हमें 3 रोटी चाहिए। दो उबले हुए आलू जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, उबला हुआ काला चना, हरी मिर्च धनिए की चटनी, टोमेटो सॉस, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटे कटोरे में आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम उबला हुआ चना मिलाएंगे। दोस्तों, आलू अच्छे से मैश किया होना चाहिए, नहीं तो हमें ट्रायंगल बीच में टूट जाएंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच लिया है। लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम एक चकले पर तीनों रोटी को एक साथ रखकर बीच में से, आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम इसी चकले पर रोटी के 3 टुकड़े लेंगे और इस पे टोमेटो सॉस अच्छे से फैलाएंगे। तीनों रोटी पे हमें इक्वली अच्छे से टोमेटो सॉस को फैला देना है। अब हम इसमें हरी धनिए हरी मिर्च की चटनी को अच्छे से फैलाएंगे। दोस्तों, रोटी को ध्यान रहे सूखे स्थान पर ही रखें, नहीं तो रोटी नीचे से गल जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप इसे अच्छे से फैला लीजिए। अब हमने जो आलू और चने का मिश्रण बनाया था, उसे हमने यहाँ पर 2-2 छोटी चम्मच रख कर रोटी को अच्छे से मोड़ दिया है और जो साइड से निकल रहा था उसे भी रोटी के अंदर अच्छे से दबा दिया है। रोटी को हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा दबाएंगे ताकि रोटी अच्छे से सेट हो जाए आलू के मसाले के साथ और बीच में वो खुले नहीं। दोस्तों, सभी रोटियों को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है ट्रायंगल बनाकर। चलिए दोस्तों, अब इसके सेकने की तैयारी करते हैं। मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी को डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, अब हम इस पे ये ट्रायंगल रखेंगे। तवे की साइज़ के हिसाब से आप इस पे ट्रायंगल रख सकते हैं। मेरा तवा छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रायंगल रख रही हूँ। सीखने में भी आसानी होगी, बहुत ज़्यादा ट्रायंगल एक साथ ना रखें। अब दोस्तों, इन पर हम घी लगाएंगे, अच्छे से घी को फैलाएंगे। रोटी बनाने वाले चिमटे की सहायता से हम इसे पलटेंगे। दोस्तों, इसे चम्मच की सहायता से ना पलटें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी ये थोड़े कच्चे हैं, इसलिए चिमटे की सहायता से आप इसे अच्छे से पलट सकते हैं ताकि ये बिखरे नहीं। इस पे हम थोड़ा घी और लगाएंगे। सभी तरफ घी को अच्छे से फैलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे गैस को मीडियम ही रखें। दोनों तरफ से
हम इन ट्रायंगल को अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे। इसका जो कवर ऊपर का है वो अच्छे से क्रंची हो जाना चाहिए। दोस्तों मेरे ट्रायंगल बनकर तैयार है। चलिए अब मैंने यहाँ पे घर पे बनी हुई सेव को एक प्लेट में लेकर इन ट्रायंगल को इस तरह से उस पर सेव लगा ली है। दोस्तों ट्रायंगल बनकर तैयार है। सेव थोड़ा सा इस पर फैला दीजिए टोमेटो सॉस के साथ।